रॉजर एक्रॉयड उस कमरे में अकेले हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये खबर आती है कि उनका मर्डर हो चुका है। आखिर उनका मर्डर हुआ कैसे? वेल, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना होगा अगाथा क्रिस्टी का द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड बुक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियोस को डालता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, मेरे चैनल में वीडियो देखने वाले लगभग 90% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस बुक की बात करो तो इस बुक को कुछ दिनों पहले ही मुझे अगाथा क्रिस्टी के बुक सेट के अंदर मिला था। इसकी मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, तो अगर आप उसका अनबॉक्सिंग देखना है तो आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए और जाके उसको देखिए। लेकिन उसको देखने से पहले इस वीडियो को खत्म करके जाना। ये बुक आपको एक ब्रेथ टेकिंग थ्रिलर का एक्सपीरियंस दे सकती है। इस बुक के चाहे स्टोरी हो या फिर कैरेक्टर हो, हर एक को पढ़ने के बाद, हर एक को समझने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस किताब को पढ़ के। अगर इस बुक की कहानी की बात करूं, रॉजर एक्रॉयड की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि अपने हस्बैंड को पॉइजन खिलाकर मार डालती है, और उसके हस्बैंड के मर जाने के लगभग एक साल बाद वो खुद भी सुसाइड करके मर जाती है। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड यानी कि अपने रॉजर भाई साहब को बता के जाती है कि जो सुसाइड करने का डिसीजन था वो उसका खुद का नहीं था, बल्कि कोई इंसान उसे ब्लैकमेल कर रहा था सुसाइड करने के लिए। रॉजर को उस ब्लैकमेलर का नाम पता चलने ही वाला होता है कि तब उसका मर्डर हो जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉजर का जिस कमरे के अंदर मर्डर होता है वो कमरा चारों तरफ से बंद है, वो भी अंदर से, और उस कमरे में उसके सिवाय और कोई भी इंसान नहीं था। तो आखिर उसका मर्डर हुआ कैसे? इंटरेस्टिंग। उसका मर्डर कैसे हुआ, उसका मर्डर किसने किया, ये सब जानने के लिए आपको ये किताब जरूर से जरूर पढ़ना होगा। इस बुक की जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये बात है कि इस बुक के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं उनको काफी अच्छी तरीके से इमोशंस में डाला गया है, काफी अच्छी तरीके से उनको बिल्डअप किया गया है, जिसकी वजह से आप इन कैरेक्टर्स के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। और इस बुक में जो डिटेक्टिव होता है वो है हरकुल पोरो, और सबको पता है कि हरकुल पोरो जो कैरेक्टर है वो अगाथा क्रिस्टी का कितना बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर है। उनके जो थॉट्स है, उनके जो तरीके है, उनको देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। और इस बुक के हर एक चैप्टर के एंड में एक हुक या फिर कह सकते हो एक क्लिफ हैंगर रखा गया है, जिसकी वजह से ये बुक एक पेज टर्नर साबित होती है और आपको ये बुक पढ़ने बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अगर आप कोई ऐसा किताब ढूंढ रहे हो जो आपको शॉक कर सकती है, जो आपको एंटरटेन कर सकती है, तो ये बुक आपके लिए जरूर से जरूर है। और बाकी तो तुम लोगों को पता ही है अगाथा क्रिस्टी की राइटिंग और उनके सस्पेंस के बारे में, वो सब मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अगर इस बुक की रेटिंग की बात करो तो इस बुक को गुडरीड्स ने लगभग 4.3 स्टार की रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 स्टार, और ये बुक आपको लगभग 210 रुपए के आसपास मार्केट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगाथा क्रिस्टी का तीनों बुक का एक सेट खरीद ले, जिसके अंदर आपको एंड देन देयर वर नन, द मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस और द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड तीनों बुक साथ में मिलेंगे, तो आपको थोड़ा कम खर्चा होगा। इस बुक की कहानी, इस बुक के थॉट्स और इस बुक के कैरेक्टर्स के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप एक बिगिनर भी है तो भी आप इस किताब को बिल्कुल से बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि इस किताब की जो लेंथ है वो छोटी है और साथ ही इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग बुक रिव्यूज को देखना है तो आप साइड में मौजूद इस प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, और अगर आपको इस किताब की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आपको ऊपर मौजूद इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और कमेंट करना मत भूलना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।